अस्सलाम वालेकुम मम्मी खैरी व्लॉग एंड कुकिंग में खुश आमदीद। लें जी, ये इन्होंने फार्म पे आई थी तो इन्होंने ये तंदूर बनाया था, तो मैंने कहा कि चलें जब आप बनाएंगे मुझे भी बताइएगा तो मैं भी तंदूर पे रोटियां लगाना सीखूंगी और देखूंगी कि आप कैसे लगाते हैं। तो गिर गिर के ही बड़े होते हैं, तो जैसे ही ये तंदूर पर रोटियाँ लगाएंगी मैं पहले इन्हें देखूँगी फिर मैं लगाने की कोशिश करूँगी। तो आपने जाना नहीं है, रहिएगा मेरे साथ, मेरी साथ साथ वीडियो मुकम्मल वीडियो देखनी है तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे रोटियाँ लगाई हैं। जी, ये तंदूर पे अब रोटियां पकड़ने लगी हैं जो कि आपकी आंटी को नहीं आती हैं। और ये देखो ऐ क्यों किता, ऐसा क्यों किता? कालो। अच्छा, काला कुत्ते पेड़े पीते हैं। अब हमें तो आती है बेलने पर रोटी बनानी, तो हम कैसे बनाएंगे? ये देखो ये किया ऐसे। अच्छा, पेड़े पहले सारे इकट्ठे काफी सारे बना लेने, सारे नहीं ना करना, थोड़े अच्छा मैं किसी ने देखे सी नाल नाल ही पेड़े कर करके ना नाल नाल ही लांदे करी दे नाल नाल ही पकदे। अच्छा गिला हाथ बाहर रखना और ये देख वो लगी नहीं, वो पूरी जुड़ी नहीं, अंदर वाला फिर ऐसे ऐसे किया हाथ को गीला कर लिया पानी के साथ और दूसरी साइड को भी लग गई रोटी। अच्छा मेरा ख्याल है गीला हाथ आप इसलिए करते हैं कि आपके हाथ के साथ चिपके ना रोटी अंदर तंदूर में जाते हुए। आसानी ना लग जाती, ये देखिए तंदूर में पकनी शुरू हो गई है, नीचे आग ठंडी हो गई है, तीन रोटियां लग गई, चार रोटियां लग रही हैं, ये लगा पानी और ये लगी फिर तंदूर में आधे टूटे पीछे आटे, ये देखिए चार रोटियां, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता तंदूर पर से देखिए रोटियाँ रेड होनी शुरू हो गई हैं। तो कह रहे कि तंदूर थोड़ा सा ना ठंडा हो गया, आग जो ना इसकी ठंडी पड़ गई है, तो अब इसके अंदर ये और लकड़ियाँ शकड़ियाँ कोई या कोई ओपले शोपले कुछ डालेंगे तो फिर पकनी शुरू हो जाएगी। अंदर तो मुझे लगता है बड़ा सेफ होना है, हाथ पे तो मार लगा दी, ये रोटी उतार दी, ये मेरी रोटी पक के आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो चले जी, अब मैं लगी हूँ लगाने, बस मेरा चलती भी है ना वीडियो, अब चलती भी ट्राई करके देखती हूँ, मैंने कभी की तो है नहीं है, हाथ पीला कर। हाँ जी पंडा, ये देखिए फर्स्ट टाइम मैं रोटी हाथ से पका रही, मैंने कभी नहीं पकाई जिंदगी में, तो काम जब हो जाऊंगी मुझे लगता है। बस बस खाला ज्यादा पतली ना करो। अच्छा फोन में है, पानी डालो, ये देखे मेरी रोटी सड़ गई, कह रही थी कोई बात नहीं, अब हमें आदत नहीं है ना, चलो ट्राई करते हैं फिर से। एक हाथ साइड देना पानी लाई दे, एक साइड देना सूखा आटा। अच्छा ऐ रखनी सूखा ज्यादा न, ऐ रखनी गीला, बस बस करो बस करो बस करो बस, सिला नहीं सकोगे, सामने लाओ आप एक गो। नहीं लग रही नहीं लगी मुझसे, मैंने दो रोटियां खराब कर दी हैं इनकी, चलें आप नहीं लगी मुझसे, मैं हो गई हूँ रोटी सड़ गई हो, नहीं नहीं ऐसा को सही लाल बनी है, सड़ी सड़ी कोई ज्यादा सड़ गई ना, तो एडी सोनी लाल रोटी बनी मेरी रोटी दी है, देखे मेरी रोटी कैसी बनी है, अब सबने मेरा मजाक उड़ाना देख के, ओए होए
बड़ा मुश्किल काम है नाल ये खाला इस तरह से हां देखो क्योंकि आप ए इस तरह करना किस तरह अच्छा इस तरह अच्छा ये इस तरह ये देखो मुझे आ ही नहीं रही लगानी चलो फिर किसी दिन फिर ट्राई करांगे ताड़ा दो रोटियां दो आटा खराब हो गया कोई यार तुसी हाथ है पूरा कर दो जिवे तवे ते छोड़ते हो पे हां इस तरह कर दे पे अच्छा उस तरह नहीं करना ये हम मैं कर दिखाए तुसी आटा भी ज्यादा लाया लाइन सही से मैं जिंदगी जी पहली बार ही लाई तंदूर तक हाथ चला मेरे यार ए इस तरह करके ना ये इस तरह करना ਉਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਗੇ ਜਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖਸਤਾ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ गिर गिर के बड़े होते हैं हमारी रोटी ये पक रही है ये देखे जी मेरी ये रोटी पक रही है ये देखे माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी आज फर्स्ट टाइम था दो रोटियां ज़ाया की हैं एक कामयाब हो गई है तो नेक्स्ट टाइम फिर से बहुत ही पसंद आई है तंदूर की अपनी रोटी अपनी तो नहीं जो इन्होंने बनाई थी जो मैं कही थी बड़ी खूबसूरत बनी है रेड वाली ये वाली तो ये देखे इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ तो मैं दिखाती हूँ अभी जैसी मेरी उतरती है रोटी तो मैं वो भी दिखाती हूँ ये थी मेरी पकी हुई रोटियाँ आई हैं जो कि बहुत ही शर्म वाली बात है ना कि आई नहीं पकानी और इसकी रोटियाँ देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लगी हैं और अब मैंने फिर मैंने कहा चले एक बार फिर ट्राई करती हूँ अब मैंने ना असल में ना पेड़ा लिया बहुत छोटा सा बनाया अपने लिए ये देखें छोटा सा बनाया जैसे हम घर में बनाते हैं तो मैंने कहा चले लगा के देखती हूँ अब मैं इसको देखती हूँ ये किस तरह लगाती हूँ ये ऐसे रखा हाथ सामने रखो सामने करिए सामने ये ऐसे इनको तरीका आता है हमें आता नहीं है चलिए मैं ट्राई करती हूँ अब करके आपको एक दफा फिर दिखाती हूँ गिर गिर के बड़े होते हैं ना क्या हो गया इधर देखो आधे अच्छा आधे च रखना जगह बच गई ना आसानी से लग गई चलो ठीक लें जी ये मेरी हाथ की पकी हुई रोटी भी आ गई है ये देखिए जी ये मैंने पकाई है रोटी माशाल्लाह मेरे बच्चियों मेरी बेटियों देख लो मैंने रोटी बनाने में कामयाब हो गई हूँ ये देखें जी बड़ा शौक था लोगों की वीडियो देखती थी तो बड़ा इश्तियाक था मुझे देखने का कि भी ये तंदूर पर कैसे रोटियां लगाती हैं बहुत से व्लॉगरों को मैंने कहा यूट्यूबरों को कि भी मुझे भी दिखाएं मैंने भी करना है लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था चले आज अपने फार्म में तंदूर बना तो मैंने कहा चले रोटियां बनाती हैं तो पहली दो रोटियां तो हो गई ख़राब वो देखें जो सामने पड़ी हुई हैं लेकिन ये रोटी मैं बनाने में हो गई हूँ कामयाब तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफिज़।